बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ महमूद अल यूसुफ, मैथ महमूद चैनल्स। पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी मैथ क्लास की, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के लिए आपके पास नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए? स्टेटमेंट या मैट्रिक्स डेफिनेशंस का। अब हमारे पास क्या है 1.1 में, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। बुक्स ओपन करें साथ के साथ मेरे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए, इसमें सारे एलिमेंट्स एंटिटीज ज़ीरो हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। नंबर 2, 2, 3, 4 एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है ना, वर्टिकली। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रो कॉलम। अब हमारे पास सी है 4, 0, 6, ये स्ट्रेट लाइन है, पिलर टाइप में बन रही है, इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद डी क्या है, 1, 0, 0, 1, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज 1 and 0 एलिमेंट्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद ई इज इक्वल टू 0, अ मैट्रिक्स विच हैज 0 एलिमेंट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। 5, 6, 7 एफ इज इक्वल टू पिलर बन रहे, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वेयर मैट्रिक्स, अ स्क्वेयर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज सेम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज सेम इज कॉल्ड स्क्वेयर मैट्रिक्स, आप आइडेंटिफाई करें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डेफिनेशन मैं बताता जा रहा, आइडेंटिफाई आप लोग करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच आज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम, यू से डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज आइडेंटिटीज आर 1 and 0, 1, 0, 0, 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच ऑल एंटिटीज आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स आर 0 मैट्रिक्स। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे, हमने ये देखना कि ये भी आइडेंटिटीज आइडेंटिफाई करना है हमने, के डायगोनल स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें कौन से है। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ा है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 and 0 एंटिटीज इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स, अब जिसके अंदर ओनली एक ही जैसे एलिमेंट हमारे पास हैं, अब देखो एक छोटी सी चीज ध्यान में रखना, 4, 0, 0, 4 ये वैल्यू होती है डायगोनल्स वैल्यू, और ये वाली वैल्यूज जो है नॉन डायगोनल्स वैल्यूज है, ये वाली और ये वाली डायगोनल्स वैल्यूज, और जो मैंने ज़िगज़ैग बनाई है नॉन डायगोनल्स वैल्यू। अगर हमारे पास डायगोनल्स वैल्यूज सेम आ रही हैं तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल्स वैल्यूज और एंटिटीज आर 0, ये भी इसके लिए शर्त है। अच्छा, दूसरा इसमें हमने क्या देखना है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल वैल्यूज 3, 0 आ जाए, ठीक है, ये हमारे पास 4, 2, -1 आ जाए, डिफरेंट वैल्यूज आ जाए, सेम वैल्यू ना आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल्स वैल्यू। ये था हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स 2, 3, 0, 0, डायगोनल्स वैल्यूज आर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ABC जस्ट लाइक ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन, नॉन डायगोनल वैल्यूज इज 0, इस कॉल्ड डायगोनल्स मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज
वन एंड जीरो एंटिटीज इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी। इसके बिल्कुल सिंपल मेथड है, वेरी सिंपल मेथड। ए इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1, ठीक है। हमने करना कि इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए माइनस 1 0 माइनस 1, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, खुद 0 है तो उसे भी 0 कर देगा, 0 माइनस माइनस प्लस। ये मल्टीप्लिकेशन में एक रूल ध्यान में रखना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। 4 रूल्स, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इसकाल प्लस, ये सब वैल्यूज के साथ हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। अब फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन भी इजी है, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जीरो वन माइनस टू, फाइव वन, फाइव वन माइनस सिक्स, टू थ्री, टू थ्री माइनस फोर एंड फाइव। F इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये हमारे पास किसके क्वेश्चन है, ट्रांसपोज। पहले तो हमें ट्रांसपोज की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। ट्रांसपोज क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज। रोज को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रोज में, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम्स आर कॉलम इनटू रोज इस कॉल ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और सिंपल सा तरीका, इसके ऊपर ए छोटा सा टी, अभी ऐसे है, ठीक है, इसे ऐसे सीधा कर दो, 0 1 माइनस टू, इतना सिंप्लीफाई क्वेश्चन है। ई घुमा दो, 2 3 माइनस 4 5, एफ 1 ऊपर 2 नीचे, 1 2 3 4। अब लास्ट हमारे पास क्या रह गया, अब देखो ये था कॉलम, हमने चेंज किया रो में, अभी हमारे पास क्या, रो चेंज इनटू कॉलम, 5 1 माइनस 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। इसे आप लोग लाजमी अप्लाई करना, एक पार्ट मैं समझा देता हूँ, एक पार्ट आप करें। क्वेश्चन नंबर 6, वन टू जीरो वन, प्रूफ क्या करना है हमने, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू
सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंपली ए का ट्रांसपोज ले लें, ए ट्रांसपोज रो। डेफिनेशन याद रखना, क्वेश्चन इजी है, आसानी से समझ जाएंगे। विदाउट डेफिनेशन आप जीरो, डेफिनेशन इज मस्ट। ये ऐसे घुमा दो, वन टू जीरो वन, ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ट्रांसपोज की ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज फोर ट्रांसपोज, वन जीरो टू वन, वन टू जीरो वन, ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इक्वल टू वन। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, उतनी आप इंशाल्लाह पेपर में अच्छे मार्क्स ले जाएंगे।